आपका टारगेट भी धर्मेश्वर में स्वागत है। 3000 बस कंडक्टर भर्ती, 3000 बस कंडक्टर भर्ती कितना मिलेगा वेतन, आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3000 बस कंडक्टर भर्ती आ गई है और इसके फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि बस कंडक्टर भर्तियों को कितना वेतन मिलेगा। रोडवेज में 3000 संविदा बस कंडक्टर भर्ती होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 3000 बस कंडक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के क्षेत्रीय अफसरों को मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए होगी, जिसमें महीने में कम से कम 5000 किलोमीटर बस संचालन करने वाले संविदा कंडक्टरों को 1.59 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से हर महीने भुगतान किया जाएगा। ये देख लीजिए, 1.59 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से हर महीने भुगतान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ 3CC प्रमाण पत्र होना जरूरी है, यानी इंटरमीडिएट के साथ साथ CCC का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। 22 दिन महीने में ड्यूटी और 1.59 रुपये प्रति किलोमीटर वेतन मिलेगा। 22 दिन की ड्यूटी होगी और 1.59 रुपये प्रति किलोमीटर इनको वेतन दिया जाएगा। महीने में 22 दिन ड्यूटी करने के न्यूनतम 5000 किलोमीटर बस संचालन पर 7950 रुपये वेतन बनता है। इसके साथ साथ 13% अंशदान भी EPF में मिलेगा। EPF में इनको 13% का अंशदान भी मिलेगा। परिवहन निगम के MD MK सिंह ने बताया है कि प्रदेश भर में 3000 संविदा कर्मी बस परिचालकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रही अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। एक आग्रह है कि आप लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।